नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को लेकर तेजी से हो रहा कार्य, त्रिवेंद्र सरकार लगातार कर रही विकास के कार्य पर काम, पर्यटन के मजबूत बनाने का सरकार कर रही काम। देहरादून में कृषि मंत्री सुबोध अनियाल ने की बैठक, कृषि विभाग को अधिक उत्पाद बढ़ाने के दिए निर्देश, निष्क्रिय पड़े वेबसाइट को अपडेट किए जाने की कही बात। काशीपुर में संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और अधिक सुविधाओं से हो गया सुसज्जित, इमरजेंसी ट्रॉमा यूनिट का हुआ शुभारंभ, डॉक्टर अजीत गर्ग को किया गया मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त। विकासनगर में सरकारी राशन की चोरी का मामला आया सामने, ट्रक चालक सहित ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, गोदाम से ट्रक चालक गेहूं और चावल भरकर जा रहा था नैनवास। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। खबर देहरादून से है जहां सड़क विकास का आयान होती है और राज्य की सड़कें ही प्रदेश के विकास की दशा को दर्शाती है। ऐसे में अगर बात की जाए देवभूमि उत्तराखंड की तो प्रदेश की ज्यादातर आर्थिक पर्यटन पर निर्भर करती है और ऐसे में राज्य सरकार उत्तराखंड को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में पर्यटन और मजबूत हो सके इसके लिए प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार राज्य की मूलभूत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। वहीं सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि राज्य बनने के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए कभी 200 करोड़ से अधिक धनराशि नहीं दी गई। पिछले पौने चार साल में 630 करोड़ की धनराशि दी गई। कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सुनियोजित आर्थिक प्रबंधन से विकास के कामों को प्रभावित नहीं होने दिया गया। सीएम ने कहा कि 125 पुलों के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, सड़कें और पुल विकास के लिए बहुत जरूरी है। की बात आ रही थी, अभी अभी 350 करोड़ रुपया 125 पुलों के लिए मैंने और व्यवस्था की है। ये पुल, क्योंकि विकास ये सड़क के मार्ग से पहुंचता है और सड़कें विकास की पहचान होती है। कोई भी अगर मेरे प्रदेश में आता है तो उसको अच्छी सड़कें चाहिए। वो हमको इनकम करके देता है, हमको आय बढ़ाकर देता है, वो हमारे अतिथि होते हैं और इसलिए हमने सड़कों के हों चाहे पुलों के निर्माण हों, सड़क पुल के बगैर सड़क नहीं बन सकती, सड़क पुल सड़क बन गई पुल नहीं बना तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र यहां तो फिर कोई फायदा उसका होता नहीं है। और इसलिए हमने तमाम योजनाओं को प्रायोरिटी के आधार पर हमने उसको सुनिश्चित किया। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, राज्य में कनेक्टिविटी को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद निर्देश दिए हैं जल्द से जल्द काम को पूरा करने के लिए, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? जी पूजा, बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि प्रदेश की जो त्रिवेंद्र सरकार है वो लगातार, प्रदेश की अगर बात करें तो राज्य में कनेक्टिविटी को लेकर जो है तमाम कार्य जो है बेहतरीन तरीके से जो है किए जा रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए पूजा, तो उत्तराखंड क्योंकि पर्यटन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर ज्यादातर अगर देखा जाए जो आर्थिकी है वो पर्यटन पर जो है आधारित है। तो राज्य सरकार प्रयास करिए कि पर्यटन को और किस तरीके से जो है मजबूत किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात पूजा एक ये भी है कि जो सड़कें और जो हमारे पुल हैं, बिना सड़कों के जो है राज्य का जो है विकास अधूरा है। तो राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि जो राज्य की जो सड़कें हैं वो यहाँ पर अगर कोई भी चाहे पर्यटक आए चाहे श्रद्धालु आए, क्योंकि उत्तराखंड में चाहे तीर्थ स्थल हो या फिर पर्यटक स्थल हो, ये दोनों ही बड़े अहम है और इस पर जो है पूरी आर्थिकी निर्भर करती है। तो सड़कें जो है राज्य के विकास का आईना होती है और उसको जो है इसके लिए लगातार प्रयास करिए कि किस तरीके से जो प्रदेश की जो सड़कें हैं या ग्रामीण जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, कुछ सीमांत क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी कुछ सड़कें नहीं है, तो उसको लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है, कनेक्टिविटी का काम कर रही है ताकि अगर यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी जो है उससे स्वरोजगार के माध्यम से जुड़े और यहाँ के जो पर्यटन है उसको और मजबूती मिल सके। जी विकास, जिस प्रकार से आपने बताया कि पर्यटन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है, ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, अब देखना यह है कि आखिर सरकार अपनी तरफ से क्या कुछ तमाम कोशिशें कर रही है ताकि जनता को लाभ मिल सके। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल राज्य में
क्या कुछ काम किया गया है और कितने फीसदी इस जो कनेक्टिविटी का काम जो किया जा रहा है इसमें काम पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल पूजा, अभी तक की अगर बात करें तो प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें दे चुके हैं। चाहे आप डोबरा चांटी पुल ले लीजिए, क्योंकि जो लंबे सालों से जो है मांग चल रही थी कनेक्टिविटी को लेकर, डोबरा चांटी जो इतना भव्य देश का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ ब्रिज है, उसके बाद यहाँ पर जो जानकी सेतु पुल है ऋषिकेश में, उनका जो है मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया है। इसके अलावा डोईवाला में ऐसे तमाम कई जगहों पर जो है लगातार जो है प्रदेश सरकार द्वारा जो है कार्य किए जा रहे हैं। अभी खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये कहना है कि 125 पुलों के लिए लगभग जो है विकास कार्यों के लिए जो उनके सड़कें हैं या पुल हो उनके निर्माण के लिए 125 पुलों के लिए 350 करोड़ की जो है मंजूरी दी गई है। सरकार का यही प्रयास है कि प्राथमिकताओं के आधार पर जो ये सड़कों का कार्य है या पुल निर्माण के कार्य हो इनको सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है, ताकि यहाँ पर जो पर्यटन है वो और मजबूत हो सके और स्थानीय लोग जो है उसकी आय भी जो है आर्थिक भी जो है पर्यटन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है और जल्द ही इसका लाभ जनता को भी मिलेगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में कृषि विभाग की बैठक की। बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल ने उद्यान और कृषि विभाग को ज्यादा उत्पादन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाए और विभाग को डिजिटल रूप देते हुए बंद पड़ी वेबसाइट को अपडेट किया जाए। वेबसाइट में ऐसे वीडियो अपलोड किए जाए जिससे किसान योजनाओं को सरलता से समझ सके। इसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाना है और विभागीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग करनी है। आधुनिकीकरण के अंतर्गत न्याय पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय के विभागीय गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। बैठक में प्रदेश में नकदी फसल के रूप में कीवी उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि कीवी क्रांति के लिए कार्य योजना बना ली जाए। कीवी उत्पादन में अग्रणी राज्य अरुणाचल प्रदेश और नॉर्वाड के साथ समन्वय करने के इस काम की योजना बनाई जाएगी। हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसान को प्राप्त हो सके और साथ साथ जानकारी के साथ साथ उसमें मॉनिटरिंग का प्रोविजन भी उसमें MIS के माध्यम से किया जाए, जिससे कि विभागीय जो हमारे अधिकारी हैं जो फील्ड के कर्मचारी हैं उनके काम उनका काम की एफिशिएंसी मॉनिटर भी किया जा सके और जो वेबसाइट में तमाम तरह की सक्सेस स्टोरी हमारे किसान उससे इंस्पायर हो, तमाम उस तरह से जो हमारे कंसोलिडेशन का कंसेप्ट है कि चकबंदी के क्या फायदे हैं इससे किसान को जानकारी उसको प्राप्त हो सकेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित नौतियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग को और ज्यादा सफल बनाने के लिए उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल राज्य में कृषि उत्पादन को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ लंबे समय से यहाँ पर वेबसाइट पड़ी थी और कृषकों को जो समस्याएं थी कृषि से संबंधित समस्या आ रही थी, तो इसको लेकर आज कैबिनेट मंत्री है कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने आज बैठक ली और सभी तमाम पर यहाँ जो विभाग थे उनके साथ समीक्षा बैठक की और गहनता से चर्चा की। अगर बात की जाए तो राज्य में जो यहाँ पर जो अधिक उत्पादन के लिए उन्होंने जो वेबसाइट बनाई थी वो काफी लंबे समय से बंद आ रही थी और काफी किसानों की शिकायतें भी आ रही थी कि इस वेबसाइट पे हमें यह जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो इसको लेकर कैबिनेट मंत्री ने निष्क्रिय पड़ी वेबसाइट को अपडेट करने के लिए कहा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर नकदी फसल है, जो नकदी फसल के बारे में किसानों को उन्होंने वीडियो बनाने के सभी अधिकारी को निर्देशित किया है कि ताकि जो कृषकों की समस्या थी उनको सही प्रकार से समझने के लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि सभी किसानों को ये समझ में आए। इस प्रकार से जो भी फसल होती है, नकदी फसल की बात करें, रबी फसल की बात करें, चाहे खरीफ की फसलों की बात करें, तो इसको लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन इन जो भी फसलें होती इनकी एक वीडियो बना जाए जिससे किसान आसान से समझ सके। और बात की जाए तो दूसरी यहाँ पर जो कीवी का उत्पादन है, जो नकदी फसल है, नकदी फसल पे यहाँ पर कृषकों को अधिक जोर देने के लिए उन्होंने कहा। अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो जहाँ पर कीवी का उत्पादन बहुत होता है, तो इसको लेकर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो
कृषि मंत्री उनके साथ भी बैठक करने को लोग लेकर कहा है कि किस प्रकार से हम जो कीवी खेती है किस प्रकार से करें, किस प्रकार से बढ़ी जाएगी, तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि नाबार्ड के साथ इसको लेकर बैठक की जाएगी और बात की जाएगी। कीवी के उत्पादन को लेकर कृषि मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाए और अरुणाचल प्रदेश से समन्वय बनाकर रखा जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। निर्मल आश्रम अस्पताल आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से युक्त एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 30 सालों से यह अस्पताल महंत बाबा राम सिंह जी महाराज की प्रेरणा और संत जोध सिंह जी महाराज के निरंतर प्रयासों के फल स्वरूप सतत और निरंतर मानवता की सेवा में तत्पर है। यहाँ मरीजों के लिए 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है। इस सुविधा को निरंतर निर्विघ्न चलाए रखने के लिए अस्पताल की अपनी 7 इमरजेंसी डॉक्टरों की एक टीम और एम्बुलेंस सेवा है, जो दिन रात आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अग्रसर रहती हैं। अस्पताल की 4-4 मंजिला 3 भव्य इमारतों के अंतर्गत 15 चिकित्सा विभाग और सहयोगी चिकित्सा विभाग कार्यरत हैं। इसलिए बहु तकनीकों और विभिन्न विशिष्ट सेवाओं से युक्त इस अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए रोगियों को इलाज के दौरान किसी जांच या सहायक थेरेपी के लिए अस्पताल परिसर से बाहर जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इन विभागों में 25 विशेषज्ञ और 7 अति विशिष्ट विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हड्डी व जोड़ों के रोग में डॉक्टर अजय शर्मा। अपन कोरोना काल में भी निर्मल आश्रम महाराज संत राम सिंह जी की कृपा से लोगों की सेवा हम कर रहे हैं और इस कोरोना काल में भी लगातार हमने अपनी लगातार सेवा जो है जारी रखी है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमने अपनी सुविधाओं को नहीं बढ़ाया, हमने सुविधाओं को बहुत बढ़ाया है इस अवधि के दौरान और लोगों को और लगातार सुविधाएं और अच्छी सुविधाएं देना ये जारी रखा है। और डॉक्टर दीपेंद्र तोमर शल्य विभाग में डॉक्टर मोहम्मद शोएब। कोरोना काल के अंदर भी मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम अपनी सेवाएं पूरी दे रहे हैं। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे मरीजों को और हर तरह की फैसिलिटीज जो भी हमारे पास जनरल सर्जरी के, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के, गायनेकोलॉजी की, ENT की फैसिलिटीज हैं, हमने इसको रोका नहीं। लॉकडाउन के दौरान भी हम पूरे उस अपनी जितनी भी हमारे अंदर क्षमता है उसके आधार पे सेवाएं देते रहे हैं यहाँ के मरीजों को। यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टर अंकुर संगल। मेडिसिन हृदय और छाती रोग विभाग में डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा। नाक कान गला विभाग में डॉक्टर दिव्यांग बंसल, डॉक्टर श्वेता मित्तल। प्रसूति व स्त्री रोग विभाग में डॉक्टर बेनजीर और डॉक्टर पूजा। बाल व नवजात शिशु विभाग में डॉक्टर कवलजीत सिंह और डॉक्टर विदिशा त्रिपाठी। दंत विभाग में डॉक्टर शरद मिश्रा और डॉक्टर ममता खंडेलवाल अपनी नियमित OPD और IPD सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार अस्पताल में प्रति सप्ताह त्वचा रोग और मानसिक रोग विशेषज्ञ भी आते हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ कुमार प्रतिदिन 12 से 2 बजे तक और मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित मेहता प्रत्येक बुधवार शाम 4 से 7 बजे तक तथा डॉक्टर प्रशांत गुप्ता प्रति मंगलवार दोपहर 12 से 2 बजे तक अपनी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। डॉक्टर सौरभ बंसल कैंसर रोग विशेषज्ञ प्रतिदिन शाम 3 से 7 बजे तक कैंसर के मरीजों को सेवा दे रहे हैं। अति विशिष्ट विशेषज्ञों में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग रावत वीरवार और शनिवार 3 से 5 बजे तक, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक रोहेले दूसरे चौथे बुधवार शाम 4 से 7 बजे तक, गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज दीक्षित पहले दूसरे और चौथे बुधवार शाम 4 से 7 बजे तक, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित गोयल दूसरे चौथे सोमवार
10 से 2 बजे तक मरीजों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इन विभागों में मरीजों के लिए TMT, इकोकार्डियोग्राफी, 24 घंटे चलने वाले 6 बिस्तरीय अस्पताल में इन मुख्य विभागों के साथ साथ अन्य सहायक विभागों में भी चिकित्सा विशेषज्ञ नियुक्त हैं, जैसे रेडियोलॉजी में डॉक्टर पंकज शर्मा एवं डॉक्टर सिद्धांत भारद्वाज, पैथोलॉजी विभाग में डॉक्टर अभिषेक, एनेस्थीसिया विभाग में डॉक्टर यूपी सिंह, फिजियोथेरेपी विभाग में फिजियो दीपक पासवान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आधुनिक तकनीकों और मशीनों द्वारा उपलब्ध होती हैं। पैथोलॉजी विभाग में सभी प्रकार के लैब टेस्ट जैसे सभी प्रकार की खून जांच, मूत्र मल जांच, बायोप्सी इत्यादि लैब के विभिन्न विभागों जैसे बायोकेमिस्ट्री, हीमेटोलॉजी, सीरोलॉजी इत्यादि में ऑटोमेटिक एनालाइजर द्वारा किए जाते हैं, अर्थात अस्पताल की लैबोरेटरी फुल्ली ऑटोमेटिक है। रेडियोलॉजी विभाग में डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सभी प्रकार के सीटी स्कैन की सुविधा बाजार से कम दरों पर उपलब्ध है। और गौरतलब है कि निर्मल आश्रम अस्पताल में डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन और सभी प्रकार के लैब टेस्टों की आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशनों के समय एनेस्थीसिया के लिए अस्पताल ने अपने अनुभवी एनेस्थेटिस्ट नियुक्त किए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में बिना किसी देरी के किसी भी समय ऑपरेशन किया जा सके। अस्पताल के 3 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर हैं, जिनमें एक साथ 3 मेजर ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अस्पताल का फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन विभाग आधुनिक एवं उच्च तकनीकी के उपकरणों से युक्त है। यहाँ हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार के इलाज एवं ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया तथा कूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण या हड्डियों से संबंधित अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन, गैल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, आंतों में रुकावट या आंतों का फटना, किसी भी प्रकार रसौली या स्तन की गांठों या कैंसर जैसे ऑपरेशन आवश्यकता अनुसार ओपन और लेप्रोस्कोपी द्वारा दोनों ही माध्यमों से तथा यूरोलॉजी से संबंधित सभी इलाज एवं ऑपरेशन जैसे दूरबीन द्वारा किडनी, यूरेटर, ब्लेडर की पथरी या किसी भी प्रकार की रुकावट या इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में किसी भी प्रकार का कैंसर तथा पुरुषों की बढ़ती आयु के साथ आने वाली प्रोस्टेट की समस्या से संबंधित सभी बीमारियों जैसे मूत्र में रुकावट या जलन या इन्फेक्शन, पेशाब का रुकना या लीक होना इत्यादि के इलाज और ऑपरेशन किए जाते हैं। थायराइड, शुगर, हाइपरटेंशन, हृदय से संबंधित रोगों, श्वास और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों जैसे TB इत्यादि का इलाज, नाक कान गले से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों एवं एलर्जी के लिए परामर्श व शल्य क्रियाएं जैसे साइनस, खराटे की समस्या, नाक का बंद होना, विशिष्ट एलर्जी जांच एवं इलाज, नाक की हड्डी या मांस का बड़ा होना, गले की कैंसर सर्जरी इत्यादि, स्त्रियां संबंधित समस्याएं जैसे बांझपन, कोलकोस्कोपी द्वारा गर्भाशय के कैंसर की जांच, प्रसूति सेवाएं जिनमें नॉर्मल तथा सिजेरियन डिलीवरी दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही अस्पताल में जन्मे सभी नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे नवजात शिशुओं का पीलिया, समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं के विकास संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 5 शैया युक्त NICU की सुविधा भी उपलब्ध है। गौरतलब है कि NICU आधुनिक उपकरणों से युक्त एक ऐसा विभाग है जिसमें अस्वस्थ नवजात शिशुओं को उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक रखा जाता है। इसके अलावा बच्चों की सभी प्रकार की समस्याओं जैसे निमोनिया, पसली चलना आदि के इलाज और बच्चों का समय समय पर टीकाकरण की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। दांतों की सभी समस्याओं जैसे दांत का सड़ना, मसूड़ों में पस पड़ना, दांतों में ठंडा गर्म लगना इत्यादि के इलाज के लिए RCT, दांत की फिलिंग, दांत निकलना, मसूड़ों व दांत की विभिन्न प्रकार की सर्जरी, नए दांत लगाना, नई तकनीक द्वारा परमानेंट डेंचर इम्प्लांटेशन, आधे टूटे दांतों की नसों का इलाज करके उन पर कैप बढ़ाना, पीले दांतों से छुटकारे के लिए स्केलिंग, पॉलिशिंग और ब्लीचिंग, बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांतों को तार एवं ब्रशेज की सहायता से सीधा करने जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं निपुणता से की जाती है।
आईपीडी विभाग में अस्पताल में 7 वार्ड हैं, जिनमें पुरुष एवं स्त्री जनरल वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड, प्राइवेट वार्ड, डीलेक्स वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा है। पूरा पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, आईसीयू, एनआईसीयू, यूनिटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स, बीपैप, सीपैप, 3 वेंटिलेटर्स युक्त हैं और अस्पताल में सभी वार्डों के हर बेड पर ऑक्सीजन एवं सक्शन की सुविधा सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन द्वारा उपलब्ध है। अस्पताल एक साथ 70 से अधिक मरीजों को भर्ती करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ ही अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली सुविधाओं में अस्पताल की अपनी 4 एम्बुलेंसें, मेडिकल स्टोर, कैंटीन, पार्किंग की सुविधा भी शामिल है। साथ ही अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं ऑक्सीजन का सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन, ईटीपी प्लांट, बिजली, पानी और जनरेटर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। प्रति वर्ष अस्पताल के विभिन्न विभागों में 1.5 लाख मरीज ओपीडी परामर्श सुविधा तथा 10,000 से अधिक मरीज आईपीडी सुविधा के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति वर्ष यहाँ लगभग 2,000 ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जाते हैं। निर्मल आश्रम अस्पताल, निर्मल आश्रम ऋषिकेश की एक इकाई है। परम श्रद्धेय महंत बाबा राम सिंह जी महाराज की इसी अनुकंपा एवं पूजनीय संत बाबा जोत सिंह महाराज जी के अथक प्रयासों से निर्मल आश्रम अस्पताल 1990 से जनमानस की सेवा में समर्पित है। वर्तमान में अस्पताल के पास 25 के लगभग अलग अलग विभागों में चिकित्सक काम कर रहे हैं और 7 सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक भी चल रहे हैं। अस्पताल में 70 रुपए की पर्ची मात्र 3 दिन के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा संतों एवं निर्धन वर्ग के लिए ये परामर्श शुल्क की सुविधा निःशुल्क है। निर्मल आश्रम अस्पताल की समस्त टीम 22 मार्च से अभी तक कोरोना काल में लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। 22 मार्च से लेकर अभी तक अस्पताल एक भी दिन बंद नहीं हुआ। वर्तमान में 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल लेबोरेटरी एवं 24 घंटे ही सीटी स्कैन एवं एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है और ये सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे वाजिब कीमतों पर उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी विभाग में सभी जांचें अति आधुनिक फुली ऑटोमेटिक एनालाइजरों द्वारा की जाती हैं और हार्मोन एसे के द्वारा 4 घंटे के अंदर अंदर थायराइड आदि टेस्टों की जांच की रिपोर्ट मरीज को सौंप दी जाती है। इसी के साथ साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर में बाहर से भी कोई भी मरीज आकर अपनी दवाएं ले सकता है और सीटी स्कैन विभाग में हमारे पास अति आधुनिक सीटी स्कैन की मशीन है जो आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरी को और संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और अधिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गया है। इस अस्पताल में एक इमरजेंसी ट्रॉमा यूनिट का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश चावला, राज गुंबर और मनीष चावला ने संयुक्त रूप से बताया कि संजीवनी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सा विशेषज्ञ हर समय उपलब्ध रहेंगे, जिसमें डॉक्टर जतिन गर्ग को मेडिकल सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया है और जनरल सर्जरी के लिए और लेप्रोस्कोपी आदि के लिए डॉक्टर इसका नबी जो कि एमबीबीएस, एमएस, एफएम, एएम और सीएस इंग्लैंड से है और दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने के मामले में एक्सपर्ट माने जाते हैं। महिला संबंधित रोगों के लिए डॉक्टर शिल्पा भानुदास मरकुट को नियुक्त किया गया है जो कि गर्भाशय के ऑपरेशन को दूरबीन विषय से करने के मामले में विशेष योग्यता रखती हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की आधुनिक सुविधाएं इस अस्पताल में मिलेंगी। आज हमारे हॉस्पिटल में एडवांस ट्रामा यूनिट की ओपनिंग उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ चिकित्सक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमृत राजे, डॉक्टर इशाक नबी सर्जन और हमारे फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर जतिन गर्ग अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें हमारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जीएनएम, एएनएम,
OT टेक्नीशियन सब स्टाफ सब वेल एजुकेटेड स्टाफ के साथ इस यूनिट की ओपनिंग करी गई है और इसमें लोगों को अच्छी और बेहतर सुविधा दी जाएगी। संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर का ओपनिंग कर रहे हैं। इस ट्रॉमा सेंटर में मैं डॉक्टर जतन, मेरे साथ डॉक्टर अमृत राजे ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर इसाक नबी जनरल सर्जन और हमारी पूरी टीम पूरा सहयोग करेगी। इस ट्रॉमा सेंटर की ओपनिंग का जो मेन रीजन है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि जो लोग पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं तो यहाँ पर आए और आयुष्मान योजना ESI के तहत अपना हड्डी का ऑपरेशन, जनरल सर्जरी, इन सबका लाभ उठाए। और विकासनगर से सरकारी राशन की चोरी का एक मामला सामने आया है, जिसमें ट्रक चालक गोदाम से गेहूं और चावल भरकर नैनबाग जा रहा था, जिसे विकासनगर रसूलपुर में एकांत में सड़क किनारे सड़क पर सरकारी राशन की चोरी कर एक छोटे वाहन में ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। कोई गाड़ी निकली है और यहाँ पे खाली प्लॉट है, ये यहाँ पे खड़ी है। हम लोग अभी आए हैं स्टाफ से, बाकी लोग भी आए हैं देखने के लिए, और यहाँ पे मौके पे ट्रक खड़ा है, टेम्पो भी खड़ा है, बाकी अभी वेट वगैरह करा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाकी उच्च अधिकारियों को सभी को सूचित कर दिया है, वो लोग भी आ रहे हैं, और रेल एड इंस्पेक्टर हैं जो नैनबाग के, और सप्लाई इंस्पेक्टर, तो वो लोग भी पहुंच रहे हैं। फिर SCI विकासनगर से लोड किया था नैनबाग के लिए गेहूं और चावल इसमें जा रहा था। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। नमस्कार।